गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह धूप अगरबत्ती के बाद गाय के गोबर से साबुन भी तैयार, स्वयं सहायता समूह की पहल। धूप अगरबत्ती के बाद अब गाय के गोबर से साबुन भी तैयार हो गया है। कंडा घाट विकासखंड की देलगी पंचायत की महिलाओं ने गाय के गोबर से नहाने और कपड़े धोने का साबुन बनाया है। यही नहीं, शैम्पू और वॉशिंग पाउडर भी महिलाओं की ओर से निर्मित किया गया है। इस सामान की बाजार में मांग बढ़ना शुरू हो गई है। खास बात यह है कि तैयार किया गया वॉशिंग पाउडर की पैकिंग भी काफ़ी आकर्षक बनाई गई है। इसी के साथ गाय के गोबर से मूर्तियां, लक्ष्मी पांव समेत हवन सामग्री का भी उत्पादन महिलाएं कर रही हैं। इसके लिए मात्र सांचे का प्रयोग किया जा रहा है और चंद मिनट में साबुन और मूर्तियां तैयार हो रही हैं। एचएएस की मुख्य परीक्षा में नैतिकता विषय को जोड़ने की भी तैयारी। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा परीक्षा एचएएस में अब नैतिकता विषय को जोड़ने की तैयारी है। यह नैतिक मूल्यों पर आधारित परीक्षा होगी जो संघ लोक सेवा आयोग भी लेता है। इस विषय को एचएएस की मुख्य परीक्षा में जोड़ा जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर अब राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाने वाली परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। हालांकि इस बदलाव में अभी वक्त लग सकता है। इसी तरह ऐच्छिक विषयों की अनिवार्यता को भी खत्म करने का विचार है। कीटनाशकों से विषाक्त हुई कृषि बागवानी, धरातल पर नहीं उतरी प्राकृतिक खेती की योजनाएं। हिमाचल के कृषि और बागवानी में कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से विषाक्त हो रही है। राज्य में प्राकृतिक खेती के लिए सरकारें कई तरह के अभियान चलाने की बात करती हैं, बजट में भी हर साल घोषणाएं होती हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा। इससे देवभूमि की कृषि बागवानी में जहर घुलने का सिलसिला कम नहीं हो रहा। हर 5 साल के बाद जनता सांसद भी इसी उम्मीद के साथ चुनती है कि वे भी प्राकृतिक खेती करने की दिशा में प्रयास कर केंद्रीय योजनाओं के तहत बजट लाएंगे, मगर वे भी इस दिशा में कुछ कर नहीं पाए। प्राकृतिक खेती के नाम पर 10-20 करोड़ रुपये का बजट तय कर इतिश्री कर ली जाती है। लाहौल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका रवि ठाकुर का पुतला, रोष रैली निकाली। लाहौल स्पीति के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पिछले कल रवि ठाकुर पर गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने रवि ठाकुर मुर्दाबाद के नारे लगाए और केलांग में रोष रैली भी निकाली तथा इस दौरान रवि ठाकुर का पुतला भी फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि रवि ठाकुर ने पार्टी के साथ धोखा किया। कांग्रेस के अधिकतर कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने भारी मतों से जीत दिलाकर उन्हें विधानसभा भेजा था, लेकिन रवि ठाकुर उनकी भावनाओं का ही सौदा कर गए। टिकट तय करने के लिए कांग्रेस फूंक फूंक कर रख रही कदम। हिमाचल में टिकट तय करने में कांग्रेस जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अंतिम चरण में हिमाचल के चुनाव होने से भाजपा की हर बिसात पर नज़र रखने के लिए कांग्रेस को पर्याप्त समय मिल रहा है। 11 अप्रैल को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा के प्रत्याशी तय होने की संभावना है। कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारे जाने वाले प्रत्याशियों को लेकर पार्टी में लगभग सहमति बनती दिख रही है। वहीं शिमला को लेकर भी 2-3 दिन में एक राय बनने के आसार हैं। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए जिताऊ प्रत्याशी तलाशने को जनता की नब्ज टटोल कर करवाए गए सर्वे को पार्टी पूरा अधिमान दे रही है। इसके चलते ही मंडी से विक्रमादित्य सिंह और कांगड़ा से आशा कुमारी के नाम आगे किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस की ओर से मजबूत प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। गैस सिलेंडर के साथ देंगे पहले मतदान करें फिर भोजन बनाए का संदेश। हिमाचल में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए गैस सिलेंडर के साथ पहले मतदान करें फिर भोजन बनाए का संदेश घर आएगा। मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से पिछले कल स्वीप गतिविधियों की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया।
लोगों को जागरूक करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 700 से अधिक पेट्रोल पंपों पर जागरूकता संबंधी होर्डिंग लगाने और उचित मूल्य की दुकानों पर मतदाता जागरूकता फ्लैक्स लगाने का भी निर्णय हुआ। वहीं बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों में पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जरिए नियमित घोषणाओं के साथ साथ स्वीप थीम पर आधारित संदेश प्रसारित करने का भी फैसला लिया गया। निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राम कुमार गौतम ने बताया कि प्रदेश में 5,000 उचित मूल्य की दुकानों के जरिए 17,00,000 राशन कार्ड धारकों को हर माह सस्ता राशन मिलता है। हिमाचल में सियासत तेज, विक्रमादित्य बोले बीफ खाने वाले चुनाव लड़ें, यह चिंता का विषय। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर लिखा है कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, यह देवभूमि है जहां गोमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़े, यह हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने यह टिप्पणी जय श्री राम लिखकर की है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने यह कमेंट महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता एवं नेता प्रतिपक्ष विजय नामदेव राव के उस बयान के बाद किया जिसमें कंगना रनौत के बीफ को पसंद करने और भाजपा के उन्हें टिकट देने की बात की गई थी। इस पर पिछले कल महाराष्ट्र की भाजपा नेता शाइना एनसी ने विजय के इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है, समय समय पर कांग्रेस नेताओं ने ऐसी बेतुकी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रिया श्रीनीत मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत और रणदीप सुरजेवाला हेमा मालिनी पर टिप्पणी करते हैं, यह कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से महिला विरोधी। घर बनाना हुआ महंगा, सरिया के दाम 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़े। बीते कई महीनों से लगातार गिर रहे सरिया के दाम अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। सरिया की कीमतों में 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आ गई। वहीं डीलरों का कहना है कि सरिये के बाद सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी हुई तो लोगों को महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। वहीं सरिये के दाम 6,500 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। भवन व अन्य निर्माण करने वाले लोगों का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। इससे पहले सरिया के दाम 5,700 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल थे, अब 2 दिन के भीतर ही सरिया के दाम 6,200 से 6,500 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। दधोल में सरिया विक्रेता कृष्णलाल एंड कंपनी के संचालक पवन बरूर ने बताया कि सरिया के दामों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं ईंट, रेत, बजरी के दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं। बढ़िया क्वालिटी की ईंट का दाम 10 रुपये प्रति ईंट तक हो गया है। 11 से 17 अप्रैल तक एक साथ 5 सरकारी छुट्टियां। यदि आपको किसी सरकारी कार्यालय में अगले हफ्ते कोई काम है तो उसे पहले 3 दिन यानी सोमवार से बुधवार के बीच में ही करवा लें, क्योंकि इसके बाद लगातार एक हफ्ते तक सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी कम ही मिलने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि अगले सप्ताह 11 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच 7 दिनों में 5 सरकारी छुट्टियां आ रही हैं। यानी यदि सरकारी कर्मचारी 2 दिन की कैजुअल लीव ले लें तो हफ्ता भर अवकाश रहेगा। 2 दिन की कैजुअल लीव लेने की धड़ाधड़ आवेदन आ रहे हैं। तो ये रहे सुबह के प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।